कोटा पहन करके किसानों का कोटा पहन करके पंजाब के पुत्रों पर चढ़ाई करने शुरू कर दी। हमने एक साल में कोई भुगता भुगता नहीं भुगता। ये एक मायने में हरियाणा की भविष्य की राजनीति का चुनाव हो गया है। देश में लूट की, झूठ की और फूट की सरकार चल रही है। हरियाणा में तो किसान ने, जवान ने और पहलवान ने पहले ही हरियाणा के चुनाव की दिशा तय कर दी। गांधी जी की कमिटमेंट है किसानों के प्रति और भाजपा की किसानों से कोई भाजपा का वास्ता नहीं है। कांग्रेस ने किसानों को भी हमेशा वोट बैंक के रूप में ही देखा है। कांग्रेस ने हमेशा किसानों को पानी के लिए तरसाया है, जबकि भाजपा उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। राहुल बाबा को अभी किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया है कि एमएसपी बोलने से वोट मिल जाएंगे। राहुल बाबा, एमएसपी का फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको? एमएसपी किसको कहते हैं मालूम है क्या? खरीफ का क्रॉप कौन सा है, रवि का कौन सा है, कुछ मालूम है क्या? लोग चाहते हैं कांग्रेस जीते और 10 साल जो परेशान हुई हरियाणा के लोग, वो किसान हो, पहलवान हो, जवान हो, वो सब मन बना चुके हैं कि परिवर्तन लाना। उपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस सरकार ने किसानों को लूटने वाली देश भर में अगर कोई पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। हरियाणा के चुनावी घमासान में जिस तरह से किसानों का मुद्दा हावी है, पहले कंगना रनौत और अब बीजेपी के पूर्व सीएम मनोहर लाल जिस तरह से चुनावी रैली के दौरान 2021 की याद दिला रहे हैं और मुखौटे की बात कर रहे हैं, उससे एक बार फिर से हरियाणा की राजनीति का पारा हाई हो चला है। मनोहर लाल के बयान के बाद देखना ये होगा कि हरियाणा के किसान इस बयान को किस तरह से लेते हैं और चुनावी सरगर्मी के बीच कहीं पूर्व सीएम का ये बयान बीजेपी के लिए ही भारी तो नहीं पड़ जाता। मगर मनोहर लाल के बयान के बाद हरियाणा में किसानों के इर्द गिर्द घूम रही राजनीति में एक बार फिर से उबाल आ गया है। तो हरियाणा का चुनाव 2021 पर क्यों अटका, आज हम इसी पर करेंगे बातचीत। तो हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने जिस तरह से कहा है कि रास्ते खोलने के लिए सरकार ने योजना बना ली थी, लेकिन उस पार जो लोग बैठे हैं वो किसान नहीं बल्कि किसानों का मुखौटा पहनकर बैठे हैं, जो कि सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह का बयान साथ ही साथ 2021 की भी जिस तरह से याद दिलाते हुए नजर आ रहे हैं हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी लगातार बीजेपी पर हमला बोला जा रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और कुमारी शैलजा भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पहले कंगना रनौत का बयान और उसके बाद अब पूर्व सीएम मनोहर लाल का बयान, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ये बयान भारतीय जनता पार्टी को ही बैकफुट पर लाकर खड़ा कर देते हैं। तो किसानों को लेकर जिस तरह से एक बार फिर से बयान निकलकर सामने आ रहा है, ऐसे में माना जाना है कि हरियाणा का चुनाव लगातार जिस तरह से किसानों, राजधानी दिल्ली और किसानों की बात पर अटका है, उसके बाद साफ तौर पर यह साफ है कि हरियाणा की दिशा तय हो चुकी है। लेकिन इस दिशा और दशा में किसको नुकसान, किसको फायदा होता है, किसको नफा, किसे नुकसान होता है, ये तो आने वाले समय में और किसानों के हाव भाव ही बताएंगे। तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र त्यागी जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप नेता जनक प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। तो सबसे पहला सवाल सत्येंद्र त्यागी जी, पहला सवाल आपसे ही, जिस तरह से लगातार अभी तक कंगना के बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पल्ला झाड़ ही रही थी कि पूर्व सीएम मनोहर लाल का भी बयान निकलकर सामने आया है, क्या कहना चाहते हैं? और इस तरह के बयान अगर आप दे रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके लिए ये बयान आने वाले समय में भारी पड़ जाए? प्रियंका जी, मैं इंडिया वर्ल्ड के सभी दर्शकों को राम राम, जय जय राम, राधे राधे, नमस्कार।
और आलोक जी को भी नमस्कार, सभी मेरे भाई जो भी जुड़े हुए हैं, संदीप जी को भी, जगन जी को, सभी को राम राम जी। मैं प्रियंका जी बताना चाहता हूँ इंडिया वॉइस चैनल के माध्यम से कि हरियाणा का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आपने देखा होगा जिस तरीके से उन्होंने किसानों के लिए काम किया है, जिस तरीके से वो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो किसानों के लिए जितनी भी योजनाएं हो, जितनी भी सब्सिडी वाली योजनाएं चल रही हो, उन सब में हमारे देश के प्रधानमंत्री जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने किसानों के लिए कोई ना कोई योजना लेकर के आए हैं, कोई ना कोई इस तरीके की उन्होंने जन कल्याणकारी योजना लाई है जिससे कि किसानों का भला हो। कभी भी आप 70 साल आप इससे पहले की सरकारों को उठा करके देख लीजिए, क्या कभी उन्होंने किसानों की सुनी? नहीं सत्येंद्र त्यागी जी, मनोहर लाल जिस मुखौटे का जिक्र कर रहे हैं वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए मनोहर लाल खट्टर जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए नहीं कह रहे हैं, वो ना किसानों के लिए कभी कहते हैं, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता भी कभी भी किसान, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी है, किसानों से निकली हुई पार्टी है, किसानों के लिए काम करने वाली पार्टी है, तो कभी भी हमारा कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी व्यक्ति किसानों के खिलाफ नहीं बोलता है, नहीं किसानों के किसी भी उसको विरोध करता है। यदि खट्टर जी ने कहा है वो उन लोगों के लिए कहा है जो रोटियां देखते हैं, आप देख लीजिए कई सारे। लेकिन सत्येंद्र त्यागी जी, ये तो किसान और किसान नेता तय करेंगे ना कि ये बयान जो है उसे वो किस तरह से लेते हैं। संदीप त्रिपाठी जी क्या कहना है इस पर आपका? जी सवाल आपका मैं प्रियंका जी सुन नहीं पाई हूँ जी। संदीप त्रिपाठी जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, पूर्व से मनोहर लाल ने फिर से एक बार 2021 की याद दिलाई है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने बॉर्डर खोलने की बात कर ली थी लेकिन किसानों का मुखौटा पहनकर जो लोग बैठे थे उनकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, क्या कुछ कहना है इस पर आपका? देखिए प्रियंका जी, वो कह रहे हैं कि अभी तो 700 जवानों के 750 किसानों की शहादत ली है और 750 हम फिर से लेंगे। ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सोच सदैव ताना शाही की रही है, तो वो बता रहे हैं कि आपके उनको तो जरूरत नहीं है, आप कितना भी चिल्लाइए, आप जो है 2021 की स्थिति फिर लेके आएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि मोदी जी किसानों के लिए बहुत कुछ लाए हैं, बहुत कुछ लाए हैं, बहुत कुछ लाए हैं, और बहुत कुछ में बता क्या पाए, किसान सम्मान निधि। तो आप किसान सम्मान निधि जो आप देते हो उससे ज्यादा एक अगर खेती करके अगर जानते हो, जो अभी आपने कहा कि किसानों से निकली हुई पार्टी, एक खेती की लागत कितनी एक एकड़ की बढ़ी है आपको पता है? सरकारी आंकड़े में 17,000 रुपए बढ़ा है और आप दे कितना रहे हैं? 2,000 रुपए अगर देते हो आप, तो जो आप ये कह रहे हो कि हम बहुत मतलब बहुत किसानों को भला कर दे रहे हैं, आप MSP का वादा करके आए थे कि हम MSP देंगे, उससे आप बात ही नहीं करते, MSP को लीगल गारंटी बनाएंगे। नहीं लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 24 फसलों पर MSP दे रहे हैं, बीजेपी का ये कहना है जी, बीजेपी का कहना है कि वो तो 24 फसलों पर MSP दे रहे हैं, आपकी जिन राज्यों में सरकारें हैं वहाँ 1-2 फसलों पर MSP मिलती है। नहीं नहीं, ये पहले आपका चीज है, MSP सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, राज्य सरकारें जिस MSP की बात कर रही है उससे अपनी तरफ से, जैसे हमने छत्तीसगढ़ में जब धान का मूल्य बढ़ाया तो केंद्र सरकार उससे एग्री नहीं हुई, हम अनुदान के रूप में उसको दूसरी योजना के माध्यम से किसानों को दे रहे थे। तो MSP बढ़ाने घटाने का काम और उसको निर्धारित करने का काम केंद्र सरकार का होता है, पहली चीज। अगर आप देना चाहते हैं एडिशनल तरीके से, दूसरे माध्यम से आप किसानों को जो है प्रियंका जी, मैं इनको टोकना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में बाजरा को भी खरीदा गया है, बाजरा को उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार ने खरीदने का काम किया है, बाजरा खरीदा गया है की सरकार है। अरे सुनो प्रियंका जी जी, ऐसे मैं समझ लोगों को न बैठा करिए, इनको यही नहीं पता कि पहले इसका मतलब बाजरा खरीदा ही नहीं जाता था,
इससे पहले उत्तर प्रदेश में खरीदा जाता था, आप बताइए ना, आप बताइए कितनी जगह खरीदा जाता था। प्रियंका जी, इनको यही नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में बाजरा कितना होता है, कौन कौन से जिले में होता है, जरा बताइए। आपको अरे नहीं, आप ये बताइए, आप कह रहे थे सरकारें हैं जहाँ पर आप ये बताइए कि क्या सरकारें हैं आप जो बात करते हो, आप एमएसपी पर तो आएंगे, लेकिन लेकिन हरियाणा की बात हरियाणा के चुनाव की कर लेते हैं, आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन हरियाणा के चुनाव में दिल्ली की बात हो रही है और बार बार दिल्ली की बात हो रही है। जनक प्रसाद जी, क्या कहना है आपका, क्यों जरूरत पड़ रही है हरियाणा के चुनाव में दिल्ली की? पहले ही वहां पर किसान, बेरोजगारी और तमाम मुद्दे हैं, और उसके बाद दिल्ली की जरूरत क्यों बार बार पड़ रही है? आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का जो इनकी जो विचारधारा है, इनकी जो सोच है, जैसे अंदर की जो इनकी जो अंदर की जो विचारधारा, अंतरात्मा की आवाज होती है, वो इनके नेताओं पर, इनके नेताओं के जिब्वे पर, इनके जुबान पर आ जाती है। जैसे मनोहर खट्टर साहब तो आ गई, अभी तीन चार दिन पहले हमारी जो नेत्री है, जो चीलम, जो मतलब पीछे पाई गई थी, वो बोलती पाई गई है। तो कहने का मतलब यह है कि इनकी विचारधारा जो है किसान विरोधी, जवान विरोधी और नौजवान विरोधी। किसान को ये मूल्य नहीं देंगे, एमएसपी नहीं देंगे, जवान को ये अग्निवीर बना देंगे। ये मतलब जवान अगर शहीद हो जाएगा तो उसको शहीद का दर्जा नहीं हो देंगे। ये ऐसी स्कीमें लेके आते हैं, और जो नौजवान है उनको नौकरी नहीं देंगे। ये तो ये हर मुद्दे पे अब की हरियाणा की जनता इनको जवाब देगी पूरी तरह से। और मैं बताना चाहता हूं कि जो इनकी संविधान विरोधी नीतियां हैं ना, देश इनको समझ चुका है। आने वाले सारे इलेक्शन, चाहे आपका हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, बिहार हो, आपका आने वाला महाराष्ट्र हो, चलिए जनक प्रसाद जी, ये तो आने वाले नतीजे ही बताएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी बात करें तो 24% से लेकर आज 36-37% वोट हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का है। अब आने वाले चुनाव में किस तरह से वहाँ पर बाजी पलटती है, क्या होता है, ये तो नतीजों का इंतजार करना है। इनका इलेक्शन कमीशन, इनका ईडी, इनकी सीबीआई, इनका इनका अरे उसी इलेक्शन कमीशन में आपकी भी सरकार बनी है ना, पंजाब और दिल्ली में। आलोक पांडे जी के पास जाना। आलोक पांडे जी, हरियाणा के चुनाव की बात हो रही है, 5 अक्टूबर को चुनाव होना है, लेकिन हरियाणा के साथ साथ बार बार दिल्ली का नाम जुड़ जाता है, और दिल्ली के बिना हरियाणा की बात पूरी नहीं होती। बिल्कुल, ऐसा आम आदमी पार्टी तो मतलब इतनी संविधान समर्पक है, इतनी संविधान समर्पक है कि गलत अंधाव से मिला मिलते। उनका एक मुख्यमंत्री जो आपका भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, वो जेल में रह गया बंदा, उनसे एक नोट का राजनीति सेट किया, जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री हो रहा, इतना संविधान समर्थक है इनका मुख्यमंत्री। और जेल से बाहर आने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट से सफल कहा कि तुम सचिवालय नहीं जा सकोगे, ऐसे मुख्यमंत्री सारे नहीं कर सकोगे, तो मंदिर में इतना संविधान समर्थक मुख्यमंत्री है इनका। अरे आलोक संविधान की बात करते हैं जो आपके बगल में फ्रेम है, उससे भी आप पार्टी में कांग्रेस पार्टी में, तो कम से कम उन्हीं का सम्मान कर लो। बोलने के साथ ही ना आप अध्यक्ष की आजादी खत्म कर देंगे मेरी, तो मैं यही कह रहा हूं कि कम से कम आज संविधान में हो गया, जैसे एक समय सेक्रेटरी था, सबके जवाब में था,
अब पंद्रह निरपेक्ष पुराना हो गया तो बोले संविधान खतरे में, तो ये सब बातें छोड़िए। अगर आप जनता पार्टी को हराना चाह रही थी भाजपा के पार्टी नहीं आ रहे में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हराने में आने से होती। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए आप एक रास्ता मुफीद कर सकते हैं, अगर आप दोनों मिलकर लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी तो आज से अपनी हित जब दिखाई देते हैं तो आप कांग्रेस के साथ नहीं होते। जहां आपको अपने कंप्रोमाइज करना पड़े वहां आप कांग्रेस के साथ छोड़ देते हैं, वहां आप बीजेपी को वोट देने का मौका देते हैं। राहुल गांधी ने मौका दिया था ना आपको बड़ा दिन दिखाते हुए कांग्रेस की सॉरी और आम आदमी पार्टी की तो हरियाणा में कोई हैसियत नहीं है ना, तो उस बात को समझिए। आप जब कुछ कहते हैं संविधान ये वो बड़ी बड़ी बातें हो गई, संविधान की रक्षा करते तो कांग्रेस के साथ जाते, अब आते हैं बीजेपी के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है ये बात तो विपक्ष को हरियाणा से किसान पूछा है, अभी भारतीय जनता पार्टी को बार बार सिद्ध करना है कि वो एक किसान विरोधी पार्टी नहीं है। अब उसे लीगल गारंटी की बात आती है, व्यक्ति में लीगल गारंटी, तो देश के 70 साल से इस देश में किसान थे, गरीबी और ज्यादा थी, तो कम से कम मुझे लगता है कि एमएसपी से लीगल गारंटी और कहीं मिल आती तो बहुत अच्छे 70 सालों में क्यों नहीं मिली लीगल गारंटी। जब एक राष्ट्रीय पार्टी 413 सीटें लेकर के भी आती है कभी एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं देती, अब वो विपक्ष में है तो उनसे एमएसपी की लीगल गारंटी दिखता है, तो ये जो मुझे लगता है जो राजनीतिक दौरापन है उससे बचना चाहिए। जब आप 70 सालों में 55 साल सरकार चला लेते हैं और आप लीगल गारंटी की बात ही नहीं करते हैं, और जब आप दूसरी पार्टी सत्ता में है तो 70 महीने के लिए लीगल गारंटी की बात करते हैं, तो ये किस तरह का जो दूसरी मांगे हैं किसानों को भी सोचना पड़ेगा। जो पार्टी लीगल गारंटी की बात कर रही है वो लंबे समय से सत्ता में नहीं, उसने तो कभी नहीं दिया, और अभी 414 तक रही उसमें भी नहीं दिया, उससे 1970 और 1990 की बात नहीं कर रहा, मैं 21वीं सदी की बात कर रहा हूँ। उसने मत जाति जनगणना करवाने के बाद जाति जनगणना ओपन नहीं किया, उसने एमएसपी पर लीगल गारंटी नहीं दिया, तो ये जो मुद्दे है ये मुद्दे भी हरियाणा की जनता के पास रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है, मुख्यमंत्री को आखिरी में बदला है, उसके लिए बात फिर भी कठिन है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जुड़ जाते तो मैं आज ही कहने की स्थिति में था कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आलोक जी तो कि हरियाणा के चुनाव में किसान अहम भूमिका निभाते हैं ये बात तो बिल्कुल तय है, लेकिन जिस तरह से 3 कृषि कानूनों पर भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट लेना पड़ा और उसके बाद अब चुनाव के बीच में ये मुद्दा तो उछल ही रहा था, बार बार दिल्ली की याद दिलाई जाती है तो कहीं ना कहीं वो पुरानी यादें ताजा भी हो जाती हैं। हम चर्चा को जरूर आगे बढ़ाएंगे लेकिन इसी बीच सुन लेते हैं कि राजनीतिक गलियारों में किस तरह के बयान और किस तरह का घमासान मचा है जिसके इर्द गिर्द हरियाणा का चुनाव इस समय घूम रहा है। पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है राजनीतिक दिग्गजों का। किसानों का कोटा पहन करके पंजाब के कुछ ने चढ़ाई करने शुरू कर दी, हमने एक साल में भूमि भुगतान नहीं भुगता, कैसे सरकार को उखाड़ा जाए, हरियाणा सरकार को कैसे उखाड़ा जाए, केंद्र सरकार को कैसे उखाड़ा जाए, कि किसान नहीं थे इस इलाके में, मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है यहाँ बहुत लोग आपको इसमें भ्रम पैदा करेंगे। हम लोग इस देशभक्त राष्ट्रभक्त समाज के लोग, गांधी जी की कमिटमेंट है किसानों के प्रति और भाजपा की किसानों से कोई भाजपा का वास्ता नहीं है। कांग्रेस ने किसानों को भी हमेशा वोट बैंक के रूप में ही देखा है, कांग्रेस ने हमेशा किसानों को पानी के लिए तरसाया है, जबकि भाजपा उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। राहुल बाबा को भी किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया है कि एमएसपी बोलने से वोट मिल जाएंगे। राहुल बाबा एमएसपी का फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको? एमएसपी किसको कहते हैं मालूम है क्या? खरीफ का क्रॉप कौन सा है, रवि का कौन सा है, कुछ मालूम है क्या? हमारी गारंटीज बहुत प्रचलित हो रही हैं, प्रचार उनका अच्छा हो रहा है, लोगों को ये बात समझ में भी आ रही है, लोग चाहते हैं कांग्रेस जीते और 10 साल जो परेशान हुई हरियाणा के लोग, वो किसान हो, पहलवान हो, जवान हो, वो सब मन बना चुके हैं
कि परिवर्तन लाना है कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस सरकार ने किसानों को लूटने वाली देश भर में अगर कोई पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। हरियाणा का किसान तो कांग्रेस द्वारा किसानों की जमीन तक लूट करके दामाद को खुश करने का काम हरियाणा की कांग्रेस ने किया है। चुनाव आने पर ये कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा किसान हितैषी बनने का ढोंग करने वाली कांग्रेस पार्टी। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। भिवानी विधानसभा क्षेत्र में सीपीएम और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार कॉम्रेड ओम प्रकाश का चुनाव सिर्फ भिवानी शहर का, भिवानी क्षेत्र का चुनाव नहीं है, ये एक मायने में हरियाणा की भविष्य की राजनीति का चुनाव हो गया है। देश में लूट की, झूठ की और फूट की सरकार चल रही है, जिसके विरुद्ध देश ने जनादेश देना शुरू कर दिया है। और हरियाणा में तो किसान ने, जवान ने और पहलवान ने पहले ही हरियाणा के चुनाव की दिशा तय कर दी। तो जिस तरह से लगातार राजनीतिक दिग्गजों के बयान यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं और सबको आपने सुना, किसानों के इर्द गिर्द हरियाणा की समय पूरी राजनीति घूमती हुई नजर आ रही। सत्येंद्र त्यागी जी, सुना आपने सभी लोगों को, पहले कंगना रनौत अपने बयान को लेकर माफी मांगती हुई नजर आई है, हालांकि उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए हैं, लेकिन शब्दों से जितना नुकसान होना होता है वो हो जाता है। अब इसके बाद मनोहर लाल का बयान जिस तरह से निकल के सामने आया है, चाहे आप उसके कुछ भी मतलब समझाएं, लेकिन किसान उसका क्या मतलब समझते हैं इस पर आपके आने वाले नतीजे डिपेंड करेंगे। देखिए प्रियंका जी, मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वो किसान, मजदूर, गरीब सबके ध्यान में रखते हुए उस तरीके से काम करती है। आप देख लीजिए कि पहला एक सिर्फ एक एम्स बनाने का काम किया था नेहरू जी ने, उसके बाद 9 एम्स बनाए हैं। तो हम हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरा जो एम्स बना था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था, तीसरा जो बना था वो मनमोहन जी ने बनाया था, उसके बाद जितने भी बने हैं वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने बनाए हैं। अब मैं प्रियंका जी बताना चाहता हूँ कि गरीब किसान, मजदूर और खास करके किसान का बेटा यदि डॉक्टर बनना चाहता है और वो एम्स में दाखिला लेना चाहता है तो पहले सिर्फ एक एम्स होता था, आज 9 एम्स होते हैं, तो क्या उसमें किसान का बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा जो किसानों के लिए नहीं है क्या? अब एक बात और मैं बताता हूँ कि इतना सारा रोड हमारे गडकरी जी ने कितने सारे हाईवे बनाए हैं, कितने सारे रोड बनाए हैं, क्या इससे किसानों को फायदा नहीं होगा क्या? किसानों की जो फसल होती है आज हम ये आगरा उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में भेजना चाहेंगे। ठीक है सत्येंद्र त्यागी जी, ठीक है, आप तब तमाम योजनाओं का गिनाने लगे, लेकिन किसानों को सीधे तौर पर कैसे फायदा होगा जी? बड़े आसानी से किसान भाई, बड़े आसानी से अपने फसल को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बड़े आसानी से भेजा। अरे सत्येंद्र त्यागी जी, क्या आपको लगता है इससे हरियाणा के चुनाव में वो तमाम किसान नहीं, आप यहाँ से योजनाओं को बता दें, लेकिन हरियाणा में आपके किसानों तक वो योजनाएं पहुंच रही हैं या पहुंचने के साथ ही साथ उनको आपकी योजनाएं समझ में आ रही हैं, ये अहम है। आलोक पांडे जी, क्या कहना है इस पर आपका, जिस तरह से लगातार यहाँ पर सत्येंद्र जी योजनाओं की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के किसानों के बीच में छवि बनी है और ऐसे में इस तरह के बयान सामने आना, क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हावी हो सकता है? मैम आप बात देखा आप उनसे प्रश्न कर लीजिए। नहीं आलोक पांडे जी, पहले मेरा सवाल आपसे, मैं आऊंगी संदीप जी आपके पास आऊंगी जी। मेरा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे बचना चाहिए। उनके जो मुख्यमंत्री ने हुड्डा जी ने, सॉरी खट्टर जी ने बयान दिया,
वो ग्राम उनके गले की फांस बनेगी, क्योंकि आप याद रखो क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 400 पार, और उसको विपक्ष से कहां तक लेती है कि 400 पार हो जाएगी तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो लगते का फांस राजनीति में बनाया जाता है। आप ये सफाई देते तो थक जाएंगे कि वो जो हमने किसानों के लिए नहीं कहा था, किसानों के देश में जो लोग बैठे थे, जो लाल किले के ऊपर चढ़ गए थे, जिन्होंने लाल किले का हमला कर दिया था, जिन्होंने भारतीय तिरंगे का अपमान किया था, एक धार्मिक झंडा फहरा दिया था वहां पर, आप कहते थे थक जाएंगे, लेकिन जनमानसों को आप नहीं पहुंचाता। तो जब मैटर इतना सोचती हूँ किसानों का, तो सही बात छोड़िए, अगर किसानों से मिलती जुलती आपको कहने से बचना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो आपका अपोनेंट है उसमें नमक और मिर्च लगा करके उसका राजनीतिक उपयोग करेगा। इसलिए चाहे राहुल गांधी को बयान हो अमेरिका में कि सब उचित समय आएगा तो हम आरक्षण हटा देंगे, उसका उद्योग भारतीय जनता पार्टी करेगी, और खट्टर जो उनका बयान है कि किसान के रूप में उन लोग बैठे थे, ठीक किसान अन्नदाता है, तो किसान अगर मदद करेगा तो उसे सजा नहीं मिलेगी, किसान लाल किले पर हमला करेगा उसे सजा नहीं मिलेगी, भाई देश में कौन किसान अकेले काम करता है क्या, सारे लोग काम करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर तो किसान कैसे हो जाएगा, अगर लॉ एंड ऑर्डर किसान को होता है तो किसान को भी देता है, तीन सीटों से किसान तो माफी है नहीं है ना, लेकिन क्योंकि एक मुद्दा बनाने आते अधिकार, तो इसलिए कभी भी नेताओं को बोलने की प्रस्ताव बार सोचना चाहिए कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है। सत्येंद्र जी क्या कह रहे हैं इस पर, आपका फिर संदीप जी के पास जाऊंगी मैं। सत्येंद्र जी देखिए प्रियंका जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये लोग खट्टर जी का जो बयान है उसका गलत मायना गलत अर्थ निकालना चाहते हैं। जैसे अभी 2024 में हमारा लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो इन्होंने ये कहने का काम किया था कि संविधान खत्म कर देंगे, लेकिन मैं इन कांग्रेस वालों से ही पूछना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब जब चुनाव लड़े थे तो उनके खिलाफ चुनाव कौन लड़ा था, कांग्रेस वालों ने खुद उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था और उन्होंने ही बाबा साहब को हराया। लेकिन सत्येंद्र जी बयान भी आप ही देंगे, मतलब भी आप ही समझाएंगे, संदीप त्रिपाठी जी काम करते हैं ये खट्टर जी के बयान को संदीप त्रिपाठी जी से करने की करेंगे। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री किसानों के हित के लिए काम करते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं, योजना लेकर आते हैं, कोई भी एक काम करते हैं तो किसानों के लिए ही। क्या लगता है आपके और कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर ऐसे बयान आ रहे हैं तो चुनाव से पहले आपके लिए तो फायदे का काम है ये? प्रियंका जी मैं ये बताना चाहता हूँ 2047 का विकसित भारत का संकल्प जो लिया है वो हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया है, इतने सारे प्रधानमंत्री इनके रहे, लेकिन अरे संदीप जी सुन तो लीजिए, उन्हें बोलने का मौका तो दीजिए जी। जी जनक जी संकल्प नहीं लिया, ये अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने बेटे को। सत्येंद्र जी आपके पास में आऊंगी, जनक जी अपना जवाब पूरा करें आप। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी काम करते हैं वो देश के लिए काम करते हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं। सत्येंद्र जी सुन तो लीजिएगा, सत्येंद्र जी सुन लीजिए, आपकी तरफ से आपकी पार्टी की तरफ से बयान आया, आपने मतलब समझा दिया, सफाई दे दी, अब सुन लीजिए। मैं पहले आलोक भाई का मैं जवाब देना चाहूंगा, जो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे संजय सिंह हमारे मनीष जी के जो जेल में जाने, ये क्यों जेल में डाल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों? अभी 1700 बच्चे सरकारी स्कूल के बिना कोचिंग के इंटर पास किए करने के बाद नीट और जेई मेंस में क्वालिफाई किए हैं, इसीलिए गरीब डाल रहे हैं। सर प्लीज अब बोलिए, ये नीट और जेई मेंस में क्वालिफाई किए हैं, एजुकेशन का स्तर इतना लेवल हमने हाई किया है, ये उसी सोच के लोग हैं जो वो नहीं चाहते हैं जो गरीब के दलित के पिछड़ों के बच्चे अच्छे स्कूल में फाइट करते हैं और अच्छी नौकरी पाए, ये उसकी जनक जी आप मतलब पुराने लोगों पर उंगली उठा रहे, इससे पहले का गरीब किसान मजदूर के लोग आईएएस पीसीएस नहीं होते थे, नीट के एग्जाम पास नहीं करते थे, जेईई पास नहीं करते, आप तो गलत बोल रहे हैं जनक जी, आपके यूपी में तो एग्जाम ही नहीं हो रहा है, स्कूल में खिलाई जा रही है, हरियाणा में आपके 5000 शिक्षक की भर्ती में खाली पड़ी हुई है, अरे भैया सबसे ज्यादा बना रहे हैं जेल में,
सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, भ्रष्टाचार किसके उसमें है, आप बोलूंगा नहीं फिर मैं। अरे जनक प्रसाद जी ठीक है, हरियाणा पे आ जाइए, हरियाणा पे आ जाइए। दूसरी बात, एक 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 इशारा और कर रहा हूँ, ये देश के किसी भी व्यक्ति को उसकी जेब पे डाका डालने से ये भाजपा के लोग नहीं चूकते हैं, मैं उसको धार देना चाहता हूँ। आप आनंद विहार रेलवे स्टेशन जाइएगा। चलिए जनक प्रसाद जी आती हूँ मैं आपके पास में। संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जी संदीप जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, मैं ये कह रही थी कि इस तरह के बयान से आपको आपको तो चुनावी समय में फायदा हो जाएगा, आपके लिए तो काम आसान हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही है जी, अब आवाज आ रही है मेरी? नहीं नहीं आवाज नहीं। संदीप त्रिपाठी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? मेरी बात अब कंप्लीट नहीं हुई तो शायद संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। जनक जी आप अपनी बात पूरी करें। मेरी बात, आप जब आनंद विहार रेलवे स्टेशन जाएंगे ना कार लेके, तो आपको चार एंट्रेंस दिएगा, चार लेन से एंट्रेंस, और उस पर ₹10, आप 10 मिनट से ज्यादा आनंद विहार में रुक जाएंगे तो आपको ₹50 देना पड़ेगा, और 10 मिनट से ऊपर चले जाएंगे आप तो आपको ₹200 वो वसूलेगा। यानी कि आप उस जब एंट्रेंस से बाहर जाएंगे, एग्जिट होंगे, तो वो बता दूं आपको, आपको दो विंडो से एक बाहर करेगा वो एग्जिट विंडो। यानी कि आप कम से कम आधा घंटा उसमें आप कितने भी आप चाह लें तो आप आनंद विहार स्टेशन से बाहर नहीं जा सकते हैं। यानी कि आप आपके पैसे का स्टेशन बनेगा, जनता के पैसे का आपका वेटिंग हॉल बनेगा, लेकिन आपको उसके ऊपर भी आपकी जेब में डाका डालेंगे। जब मैंने इसे पता करा तो पता लगा कि उसका ठेका, स्टेशन का ठेका अंदर जाने का भी भाजपा सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ है। आपको किसान के जवान पे, इंसान के जेब पे ये डाका डाल रहे हैं भाजपा के लोग। जनक जनक जी के सवाल का जवाब दीजिएगा। हालांकि जनक जी हरियाणा के चुनाव के इतर बाकी सारी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, मैडम ये किसान जवान सब जगह परिस्थितियां एक जैसी है। आप देश की जनता पर डाका डाल के पूंजीपतियों का माफ कर देते हो आप 30%, इंडस्ट्रियल जो आपका जो वो है उसको आप 22.5% कर देते हो, आप कॉर्पोरेट टैक्स को आप कम कर देते हो, जो 1.5 लाख करोड़ का हर साल घाटा होता है देश को। नहीं ठीक है, आप आपकी सरकार आएगी तो आप तो फ्री, आप तो फ्री कर देंगे ना। हाँ ठीक है, हमारा मॉडल है ये, हमने पंजाब में करके। संदीप त्रिपाठी जी मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? संदीप त्रिपाठी जी आवाज आ रही है? हेलो जी संदीप त्रिपाठी जी, लगातार लगातार एमएसपी को लेकर जिस तरह की हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, हरियाणा में किसानों की बातचीत हो रही है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, आपके लिए तो काम आसान हो जाएगा हरियाणा में। प्रियंका जी, हम हरियाणा में क्यों चुप करने जा रहे हैं? चाहे वो आरएसएस के संघी आ जाए, चाहे पैसा लेके कोई राजनीतिक विश्लेषक आके विश्लेषण करे कि 70 साल या 80 साल से, हम पूर्ण बहुमत में ही क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। अच्छा, और उनको विश्लेषक महोदय को यही नहीं पता है कि जब देश आजाद हुआ तो एक व्यक्ति की आय कितनी थी? ₹275 एक पर कैपिटल इनकम थी, 90% गरीब देश में रहा करते थे, जमीनें जो है ज्यादातर ऊपर और गुहर हुआ करते थे, हमने 40 अनुसंधान केंद्र बनाया। अब देखिए, अब राजनीतिक विश्लेषक पैसे की गर्मी और फर्जी मुस्कुरा है, खुद को शर्म कर लिया करिए साहब, मतलब थोड़ी नहीं इतनी भी गर्मी नहीं। आलोक जी जवाब दीजिएगा, लेकिन आपको भी हमला करने के लिए, अरे भारतीय जनता पार्टी पर हमला करिए ना, ठीक है सुनिए ना, वो उससे मेरे भाजपा से मेरे भाजपा ही है, बहुत सारी डिबेट करता हूं उनके साथ में, ये सब चंदे वाले लोग हैं, चंदा अभी देखिए कौन कमाई कौन सा बिजनेस है, देखिए लाइट देखिए चेहरे की, कुशन देखिए, आम आदमी पार्टी के उसमें जितना बढ़िया मांगा हाँ शर्म आ गया। अब सुनिए मैं पूछ रहा हूँ, अब बताइएगा, अभी गरीब लोग आए, मतलब हमारे देश में जहाँ पर अंग्रेज आए, मुगल आए, जो हमारे देश को लूट कर ले गए, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसमें बोलता कि हमारा गरीब देश था। भाई ये कांग्रेसियों को यही समझाए कोई? ये यही नहीं समझ पाए कि हमारा देश क्या है, हमारा देश सोने की
समस्या है, आप अपने इटालियन लोगों से पूछ लीजिए दिल्ली को छोड़ करके भारत में क्यों आए, उनको क्यों आने की जरूरत पड़ी, हमारा देश आता जाता कुछ रेट चल रही है भाई, डिबेट बैठे में करके उससे डिबेट में नंबर बढ़ जाएगा। चलिए आते आलोक पांडे जी, सबसे पहले तो आप जवाब दीजिएगा। प्रियंका जी उनका क्या है, पूरी कर लो जी। मेरे कहने का इस देश में 1966 में नियुक्ति आती है, आपकी टीआरपी नहीं बढ़ जाएगी, आपकी डिबेट खराब हो रही है जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब देश आजाद हुआ तो उस समय किसानों की स्थिति क्या थी, उस समय किसानों की स्थिति से किस तरीके से, ना हमारे पास रिसोर्स थे ना हमारे पास पैसा, जब देश आजाद हुआ कितना हमारे पास पैसा नगद था ये भी बताने की जरूरत है, पढ़े लिखे लोगों को पता है। हमने किस तरीके से नहरों का जाल बिछाया, भाषा मंडल डैम से लेकर बहुत सारे बांध बनाए, लेकिन मोदी जी आज कहते हैं कि पानी के लिए हमने तरसाया। मोदी जी आप पूरे भारतवर्ष में एक बांध का नाम बता दीजिए जिसको आपने बनाया हो, जिससे नहर की परियोजना चलती है, आपके भाषण से नहीं होगा ना साहब, आपने जो है यहाँ तक के ट्रैक्टर से लेकर जो किसी टैक्स लगा दिया आज उस पर 18% से लेकर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर नीचा दिखाने का काम करते हैं, इस तरीके का काम न करें। और जो जनक प्रसाद जी बार 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 बता रहे हैं अपना दिल्ली का एमसीबी भी उठाकर देख ले वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर किस तरीके से रोड पर लगा दी जाती है गाड़ी, हम भी जाते हैं। अरे ठीक है सतेंद्र त्यागी जी, सतेंद्र त्यागी जी ठीक है आप मुद्दे पर आइए मुद्दे से हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा पे ही बात कीजिए। हरियाणा में इंडिया वॉइस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ और इन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गरीब किसान मजदूर जो भी समझदार बुद्धिजीवी पढ़े लिखे जितने भी अच्छे लोग हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे वोटर हैं, वो सभी भाजपा के साथ हैं और भाजपा की सरकार। अरे तो ठीक है 8 अक्टूबर तक इंतजार तो कर लीजिए ना सतेंद्र त्यागी जी हाँ ठीक है 8 अक्टूबर तक फिर इंतजार तो कर लीजिए ना। आलोक पांडे जी पहले आप अपनी बात पूरी करिए फिर संदीप जी के पास जाऊंगी जी। मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में भाजपा पार्टी को एक एक करके जी नहीं एक एक करके बोलेगा। मैं अनुरोध करूंगी टीम से करूंगी, एक का वॉल्यूम अप करें, सुनाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा जी। आलोक पंडित जी अपनी बात पूरी करें आप। मेरे मन में यह है कि कांग्रेस पार्टी अगर आम आदमी पार्टी के साथ लड़ती तो साथ बेहतर स्थिति में होती, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलग अलग लड़ रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में अब लड़ाई अच्छी है, अब इसे लेकर हम बदली है। हाँ ठीक है आपकी इस बात पर मैं संदीप जी से पहले राय ले लेती हूँ क्योंकि संदीप जी को बहुत शिकायत थी। संदीप जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल जी। आलोक जी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के अगर आप साथ होते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा मुश्किल होती, इसमें गलत क्या है? नहीं वो बताना भूल गए कि जेजेपी जिसके साथ 5 साल सत्ता में रहे, जिसके जो मुख्यमंत्री 9.5 साल रहा है, उन्होंने कहा इतने में मुख्यमंत्री साहब एक तो जबरदस्ती है तो जो है माथे पे बंदूक रख के इस्तीफा लिखवाना पड़ा, उसकी तो आप बात ही नहीं कर रहे हो। 9.5 साल जो मुख्यमंत्री रहा उसका आप मंच से नाम लेने में कर रहे हो, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हो तो उसका विश्लेषण कर रहे हो, उसके अकाउंट को शुरू नया उतनी जो चल रही है साहब नया, इसीलिए मैंने कहा अभी एंकर जी होते ना तो हम बताते आपको। नहीं नहीं संदीप त्रिपाठी जी पर्सनल जाने की जरूरत नहीं है, नहीं और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। अगर वो विश्लेषण कर रहे हैं तो आप उस पर अपनी राय रख दीजिए, वो किसका विश्लेषण करेंगे और किस तरह से सोचेंगे इस पर आपका तो पहरा नहीं होगा ना संदीप त्रिपाठी जी। मैं सुनिए देखिए प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता होगा उस तरीके की बात करेगा, मैं उसका जवाब देने के लिए बैठा हूँ, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक होता है वो पब्लिक आपके दर्शक को देखते हैं
एक इंडिविजुअल व्यक्ति है वो क्या कह रहा है। अरे संदीप जी, अगर आप राजनीतिक विश्लेषक की बात से सहमत नहीं है तो आप तर्कों के आधार पर अपनी बात रखेंगे या सीधे उन पर हमला बोलने लगेंगे? ये तो बड़ा आसान तरीका हुआ ना कि आप अगर जवाब ना दे पाए तो आप सीधे हमला बोल दे। अरे नहीं, आलोक पांडे जी हमारे मित्र है, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु जी आप गलत जा रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, हमने उनसे पूछा कि एमएसपी कब लागू हुई। प्रियंका जी, इनके साथ एक समस्या है, हिमाचल के डिप्टी सीएम भूपेंद्र पाटिल जब कहते हैं योगी जी ने अच्छा निर्णय लिया है, हम नागर में इस तरीके का निर्णय लेंगे, तो इनके बड़े नेता। चलिए मुझे मौका दीजिएगा संदीप जी, सत्येंद्र जी मुझे मौका दीजिएगा इस पर। पहले आलोक पांडे जी अपनी बात रखेंगे, अपनी राय लेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ूंगी। आलोक पांडे जी देखिए, मैं मानता हूँ कि एमएसपी की जो कॉन्सेप्ट है कांग्रेस लेकर उससे कोई डाउट है, लेकिन एमएसपी एज ए लीगल गारंटी जो आप मांग कर रहे हैं कि मैं क्वेश्चन में आप दे पाऊ या भारतीय जनता पार्टी दे पाऊ, भारतीय जनता पार्टी आप ही नहीं दे पाएंगे। इनका निर्णय दीजिएगा, आप नहीं दे सकते, आप दे सकते नहीं बदले, ठीक है नहीं बदले, ठीक है नहीं बोले, हजार रुपए नहीं पूछेगा और आज अगर वो हजार पूछेगा मैं तो नहीं लड़ पाऊंगा, मैं कैसे नहीं चल रहा कैसे कहने से चिल्लाने से भाजपा ने मैनिफेस्टो में उसने लिखा, हमने मैनिफेस्टो में कभी नहीं कहा कि एमएसपी को लीगल गारंटी देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा और वो चुनाव जीत कर आए। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि आप उसके नाम पर वोट लिए हो, आप नहीं करो, हम तो एमएसपी लेके आए, लीगल गारंटी की बात ही नहीं थी। मोदी जी के अच्छा संदीप त्रिपाठी, कृषि कानूनों को लेकर जब इतना हो हल्ला मच रहा था तो बार बार आपका कहना था कि एमएसपी आप देंगे, एमएसपी आप देंगे, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप बात ही नहीं कर रहे हैं। सत्येंद्र जी नहीं, ये तो बहुत अच्छा है ना कि आप हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, अभी हरियाणा का चुनाव हुआ नहीं है। संदीप त्रिपाठी जी, इन लोगों का पार्टी की किसानों को वोट बैंक के रूप में उपयोग करते हैं, ये जब से देश आजाद हुआ है वोट बैंक कैसे इनका उपयोग किया करने का काम करते हैं। इन्होंने आप लोगों ने दिया क्या? आप लोगों के प्रधानमंत्री कहते हैं तो 15 पैसे जाते हैं, पैसे पता नहीं कौन खा जाता है, बीच के जो आपके लिए लोग थे, आपके जो ले जाते वो लोग खा जाते थे, लेकिन आज वो भाई हजारों के किसानों के घर दबाते हैं, किसान सम्मान निधि किसानों को जाती है या सब्सिडी कोई भी किसानों की सब्सिडी में जाती है, सीधे किसानों के खातों में जाती है, और इनकी विचारधारा क्या है? चुनाव आएगा तो कहेंगे। चलिए एक मिनट सत्येंद्र जी, एक मिनट दीजिएगा सत्येंद्र जी, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा सत्येंद्र जी, एक मिनट दीजिएगा संदीप त्रिपाठी जी, आपका कहना है कि आपके एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की लीगल गारंटी थी, तो फिर किसानों से क्या वादा कर रहे हैं आप? फिर क्या बात कर रहे हैं? पहली बात मैंने क्या कहा वो सुनिए, हमने ये कहा कि 2014 के पहले एमएसपी को लीगल गारंटी देने की बात मोदी जी ने उठाई और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया, जनता ने उनको मैंडेट दिया। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई आपने उनको या जनता आपसे जनता के बीच होने का गए और हमको लगा कि उस समय हम नहीं कहते, मोदी जी ने कहा था उसके नाम पर जनता ने वोट दिया लेकिन वो नहीं कर पाए। हम ये कह रहे हैं कि आपने उनको वोट तो दिया उस नाम पर लेकिन वो नहीं कर पाए, लेकिन हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे, क्योंकि स्वामीनाथन कमीशन की 201 रिपोर्ट में से 198 मोदी जी के आने के पहले हमने लागू किया। नहीं ठीक है, लेकिन पीएम मोदी तो कह रहे हैं कि जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं वहां आपने कितना भला कर दिया किसानों का? चलिए जाते हैं, पूरे देश में सर्वाधिक सबसे महंगा धान कहां खरीदा जाता था? छत्तीसगढ़। किसकी सरकार थी? हम वहां 2500 दे रहे थे, हमने 2100 की घोषणा की, आज का उत्तर प्रदेश 2100 में खरीदा जा रहा है धान क्या, या 2500 में भी खरीदा जा रहा है क्या? नहीं खरीदा जा रहा है ना। नहीं तो जहां आपने घोषणा कर दी, जहां की आप बात कर रहे हैं वहां तो जनता ने नकार दिया ना चुनाव में, जनता ने तो नकार दिया ना आपको। संदीप त्रिपाठी जी हाँ बताए,
इसलिए उनकी आवाज थोड़ी सी लो है। क्या चीज नहीं करी जा रही उत्तर प्रदेश में, जरा एक बार उनसे नहीं आकर आ जाए, क्या चीज नहीं करी जा रही है करवाने से आपको। ठीक है, मैं अनुरोध कर लेती हूँ जी। सत्येंद्र जी, आवाज मेरी पहुंच रही है? आ रही जी। छत्तीसगढ़ हारने से अभी आपने जो बात कही, हम हारे वहां पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, याद करिए किस तरीके से वहां पर लॉटरी, वो कहां चली गई जो महादेव लॉटरी थी, ईडी पहुंच गई थी, पूरी सारी संस्थाएं वहां पर रोज ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते थे। आज क्या महादेव लॉटरी बंद हो गई क्या? क्या वो बघेल जी जिन पर आप आरोप लगाते थे पास पास हो गए क्या? तो भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति करती है। अभी सैनी जी ने बात की, दबाव अपने दबाव की बात की होगी, हम समझ नहीं पा रहे। उन्हें रावत वाड्रा पर हरियाणा सत्येंद्र त्यागी जी इस पर जवाब दीजिएगा। अरे संदीप त्रिपाठी जी, उसी ईडी और सीबीआई के बीच में 100 सीटों 99 जो मिली है, उस पर आप खुश होते हैं ना कि आपको बहुत बड़ी जीत मिली है? तो एक तरफ आप जीत की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप ईडी सीबीआई का हवाला देते हैं। सत्येंद्र जी जवाब दीजिएगा। इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से इनको संदीप जी को बता दूं और सभी नेताओं को बता दूं कि ईडी और सीबीआई जो है वो सबके लिए है, वो अब से नहीं चल रही है कि मोदी जी ने ला करके तैयार कर दी और मोदी जी ने बना दिया। गलत काम करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, पैसा यूज करोगे और तो भैया जेल में जाना पड़ेगा। केजरीवाल हो, चाहे वो मनीष जैन हो, चाहे वो कोई हो, कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो, जेल का लूटने का काम किया है। आप इनको व्यापार है क्या? इनके कोई फैक्ट्रियां चल रही है क्या? उनके दिखता चल रहे हैं इनके पैसे हो गए 48 करोड़ रुपया व्यक्ति अपने स्विमिंग पूल में लगा देता है। अरविंद केजरीवाल दूसरी इच्छा करेगी तो जिसने भेजेगी ना, और 100 करोड़ रुपए का लेन देन कर रहे हैं, गोवा में जाके चुनाव लड़ रहे हैं और 2 नंबर खराब होता कर रहे हैं, उसके साथ ठीक कर रहे हैं। तो भैया हम भी सीबीआई तो देख रही है ना, ये हम लोग जनता देख रही है, कर रही है जो सारे मंत्री जिनके जेल में जा रहे हैं। अब बताइए ऐसे लोग पीछे कितना लगेगी बताइए? ये कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है कि जिसको अपने बेटे के लिए आगे के लिए महल बनाए हैं या बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठी करके जानी है, वो डर जाए आप लोगों से। मोदी जी किसी तरह नहीं है, मोदी जी है 26 और 28 पार्टियां मिलकर गठबंधन बनाने का काम कर रही थी, और जैसे चुनाव खत्म हुआ, जैसे 2024 खत्म हुआ, सारे के सारे अलग हो गए और गठबंधन के खिलाफ आपने देखा होगा तरीके से काम है और लड़ाई कर रहे हैं। आप दिल्ली में देख लीजिए इस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आप अपने लड़ाई लड़ रही है। अभी आप हरियाणा में उठा करके देख लीजिए, ये वही लोग हैं जो 2024 से पहले किसी भी तरीके से मोदी जी को गिराना चाहते थे, किसी भी तरीके से देश को लूटना चाहते थे। जनक प्रसाद जी, जनक प्रसाद जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जनक प्रसाद जी आवाज मेरी पहुंच रही है अब तक? काम करें। ठीक है सत्येंद्र जी, आवाज जरा डाउन कीजिएगा। ठीक है सत्येंद्र जी आपके पास आती हूँ मैं, मौका दीजिएगा। जनक प्रसाद जी हमारे साथ, जनक प्रसाद जी हरियाणा के चुनाव में जिस तरह से असली और नकली किसान, अरे जनक जी सुन लीजिए, मुझे सवाल सुन लीजिए हरियाणा के चुनाव में जिस तरह से असली और नकली किसानों को लेकर बातचीत हो रही है, क्या आपको लगता है कि असली नकली किसानों का मुद्दा कुछ है या किसान एक साथ ही है? देखिए मैम, अब जो आम आदमी पार्टी की नीति है, जो गारंटी हम देते हैं, चाहे आपने पंजाब में दिया हो, चाहे दिल्ली में दिया हो, 100% हम उसको कंप्लीट करते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार एक मिनट यार, अब आप बोल लो, फिर आप बोलने नहीं दूंगा मैं आपको, फिर बोलने नहीं दूंगा जाने में बात का नहीं। किसकी आवाज आ रही है जनक जी? क्या तरीका बात करने का यार, इस तरीके से भीड़ पैदा होंगी पूरे सड़कों पर, बाकी लोगों की आवाजें डाउन कीजिएगा। जनक जी अपनी बात पूरी करिएगा, नहीं सब एक साथ मत बोले, सब एक साथ मत बोले। जनक जी बोलिएगा, प्रवक्ता कांग्रेस करवा देते हैं जाके आपको बिहेवियर का, जाके जनक जी अपनी बात रखें, आगे खोल के कहां उठाया इन्होंने, कहां उठाया? मैं इनसे जनक जी से पूछना चाहता हूं, यदि उनको अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना था तो जेल में जाने से पहले दे देना। जितने भी लोग जेल में गए आप दिखाओगे, आपके लोग 70,000 करोड़ का चक्की पीछे दिखाएंगे,
साइन करके या दूसरा व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से चोर सिखाएंगे इस तरीके से काम नहीं होने वाला। जिस तरीके से आप लोग ऐसा ही होगा सर, जनता को बरगलाने देश में काम ऐसा ही होगा। अच्छे स्कूल बनेंगे तो अच्छे अस्पताल बनेंगे। जिस तरीके से आप गरीबों को 30 करोड़ बिजली मुफ्त दी जाएगी ये नहीं चलेगा। अब आज तक दिया था अब उठाएंगे 2023 में चुनाव आने वाले हैं। दिल्ली की जनता दिखा दिल्ली की जनता आपको एक भी सीट देने वाली नहीं है। अब नहीं आपने षड्यंत्र को दिल्ली जनता समझ नहीं है। आप हर जगह षड्यंत्र करते हो, हर जगह राज्य सरकारों को सत्येंद्र त्यागी जी जनक जी बिना मुद्दे नहीं नहीं मुद्दे से आप लोग मत भटकिए। मैं आपके पास वापस आऊंगी। सत्येंद्र त्यागी जी को वॉल्यूम डाउन कीजिए। सत्येंद्र त्यागी जी आपसे अनुरोध कर रही हूँ, मुद्दे से आप बार बार मत भटकिए। हर सवाल का जवाब देंगे तो डिबेट कैसे हो पाएगी। जनक जी आप अपनी बात पूरी करें, पहले हरियाणा की बात कर ले, फिर पूरे देश की बात कर लीजिएगा। अनुशासन पढ़े लिखे लोगों को थोड़ा बैठा जरा, क्या अनुशासन भी जानते हो कोई बात। जनक जी अपनी बात आप रखिए, पूरी बात रख रहा हूँ फिर बोलो। सत्येंद्र जी बस मैं आपको मौका दूंगी, मैं आती हूँ आपके पास में। आप मैम आप एक निष्पक्ष पत्रकार हो, आप जो दिल्ली में पंजाब में और जो हरियाणा में हमने जो वादा किया है, जो 5 गारंटी दी है, जो पंजाब में दी है, आप गारंटी एक आम आदमी पार्टी 56 इनका सीना खोल के गारंटी कर सकता है कि आम आदमी पार्टी उस गारंटी को पूरा करती है। आप बता दें कौन सी गारंटी पूरी करी है, आप बता दीजिए। कोई भी पत्रकार कोई भी पार्टी का आदमी ये बता दे कि मैनिफेस्टो में हमने ये गारंटी लिखी थी और वो पूरी नहीं हुई है, बता दीजिए। पहली आम आदमी पार्टी की सरकार देश में है, राज्य सरकार है, जो हर सरकार है भाजपा हो या कांग्रेस वो सरकारी कंपनियों को बेचने का काम करी है। पंजाब की सरकार हिंदुस्तान में अच्छा, तो कांग्रेस पर ही हमला बोल रहे हैं आप यहां पर हरियाणा में। हमने सरकारी को खरीदने का काम किया है। अच्छा चलिए, नहीं नहीं ठीक है, इतनी गारंटी जनक जी अगर पूरी हुई होती तो फिर आपके साथी ने आपको साथ दिया होता ना। हरियाणा में तो साथ मिला नहीं आपको। अरे हरियाणा में तो आपको कांग्रेस का साथ नहीं मिला ना। हम सरकार साथ में बनाएंगे, आप देखिएगा। अगर इतना 100 out of 100 था फिर कांग्रेस का साथ क्यों नहीं दिया आपका। संदीप त्रिपाठी जी आम आदमी पार्टी के पास चाबी होगी। संदीप त्रिपाठी जी जवाब दीजिएगा, आम आदमी पार्टी के पास चाबी होगी। दिल्ली से लेकर पंजाब तक इतना बेहतरीन प्रदर्शन, फिर क्या लगा आपको? गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, तो गठबंधन का विषय सिर्फ नेतृत्व का विषय था। और रही बात हरियाणा में कितनी मजबूत है आम आदमी पार्टी, नहीं जनक जी विश्वास की बात कर रहे हैं, तो जब आप ही विश्वास नहीं करेंगे तो जनता कहां से विश्वास करेगी हरियाणा में। हाँ हम आ रहे हैं, हम बिल्कुल से आ रहे हैं। आलोक जी ने सवाल खड़ा किया कि यहाँ गठबंधन वहाँ गठबंधन, नहीं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इसी उत्तर प्रदेश में जो है भाजपा बिहार में गठबंधन है उनका, वहाँ पर केंद्र मिनिस्टर भी हैं चिराग पासवान जी, और उत्तर के एक जो सांसद है खुद पासवान भी सभी हमारे बगल का डिस्ट्रिक्ट प्रचार के लिए आए हुए थे, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन बिहार में है और केंद्र के लिए हुआ है, अन्य राज्य के लिए नहीं है। बहुत पहले भी इससे पहले होता रहा है। अच्छा। जो अलग अलग चुनाव अलग अलग राज्यों में लड़ती रही है और जो बिहार गठबंधन में रही है। चलिए चलिए, हर पार्टी का विषय है ये कहना की विश्वास नहीं, उनको सरकार है की 90 सीटों पर लड़ते हैं अभी अलग। नहीं नहीं ये कह ले, ये कह ले की बार बार कोशिश तो की जाती है, जैसे यूपी में भी उपचुनाव को लेकर कोशिश की जा रही है लेकिन बात नहीं बन पाती है। खैर आलोक पांडे जी, आलोक पांडे जी फाइनल कमेंट पे आती हूँ, समय मेरे पास अब बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ। आलोक पांडे जी क्या लगता है आपको, सभी पार्टियों के द्वारा दावा तो किया जा रहा है लेकिन असली नकली किसानों को लेकर जो बातचीत उठी है, किसानों को लेकर खास तौर पर जिस तरह से आपका भी कहना था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में आती तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता था, भारतीय जनता पार्टी का जो बयान आया है, क्या आपको लगता है कि असली नकली किसान की बात समझ पाएंगे, किसान एक है? देखिए मुझे तो लगता है ये बयान जो कांग्रेस पार्टी जैसा बयान है, जो वो उसी के अंदर बैठे थे। अरे वॉल्यूम से डाउन कीजिएगा। संदीप जी अब मौका दीजिए, फाइनल कमेंट है, बात समझ में आने दीजिए जी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो खट्टर जी का बयान है वो कैलिदासी बयान है, जिस तरह बैठे उसी की डाल बांट रहे। ये बयान गलत है, गलत मौके पे दिया गया बयान है। अब वो पढ़ाई देते सुनिए
भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता इसका क्या अर्थ था? तो ये अगर वो इतने सीनियर है, केंद्रीय मंत्री है, हरियाणा में मिनिस्टर है, फिर भी उनको नहीं पता हम कैसे देना चाहिए, या वो इस बात पे नाराज है कि हमको मुख्यमंत्री हटाया बेटा तो बीजेपी सरकार ना रहने देंगे? मुझे मानना है कि ये बिल्कुल योजनाओं की अगर बात करते हैं तो शब्दों पर भी संजीदगी होनी चाहिए, खास तौर से जब 5 अक्टूबर को चुनाव है। सत्येंद्र जी फाइनल कॉमेंट दीजिएगा। प्रियंका जी, मैं बताना चाहता हूँ इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से सभी लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो भी काम करते हैं वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। इसके अलावा कोई भी किसी भी तरीके की ना विचारधारा है ना प्रतिबद्धता। ठीक है सत्येंद्र जी, लेकिन इसका जवाब तो आपको 8 अक्टूबर को ही मिलेगा। संदीप त्रिपाठी जी, आम आदमी पार्टी हो नहीं, अब आपके बयानों को किसान किस तरह से समझे और कितना समझे हैं वो तो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। संदीप त्रिपाठी जी, वो बात सही है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी ये पार्टियां हैं उनके नेता जो है या तो वो अपने लिए गद्दी के लिए काम कर रहे हैं, या तो वो खुद राजा बनना चाहते हैं, कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, या वो अपने बेटों के लिए ठीक है। सत्येंद्र त्यागी जी, सत्येंद्र त्यागी जी नहीं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। अरे आपका मामला तो इस समय वही है कि अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी, कुल्हाड़ी पे कूद जा रहे हैं। प्रियंका जी, असली और नकली किसान की बात हो रही है। इस देश में देखा है कि किस तरीके से बॉर्डरों पर हमारे किसानों के लिए जो दूसरे देश के बॉर्डर होते हैं उसको ज्यादा कर दी गई थी। और रही बात नकली और असली किसान की, तो दीप सिंधु जिसने लाल किले पर झंडा फहराया था, आलोक जी भी जान ले, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला था, उस पर आज भी कोई कार्रवाई इसीलिए नहीं हुई। उसके साथ सुनील सन्नी देवल के साथ रहता था उनका, उनका ये समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था जनक प्रसाद जी। आज भी सुन लीजिए प्रियंका जी, लास्ट मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि किसानों को भी पता है कि उसने उनके कौन सी पार्टी ने क्या किया है। हमसे बीच में हो सकता है कि उनकी नाराजगी रही हो, लेकिन उनको ये पता है कि पता चल गया इन 10 सालों में केंद्र की सरकार में, राज्य की सरकार में उन्होंने देखा कि किसानों के हितों के लिए कोई अगर। चलिए समय नहीं, जनक जी फाइनल कॉमेंट, छोटा सा फाइनल कॉमेंट। आम आदमी पार्टी का मानना है कि जो देश की जनता सुबह से शाम तक टैक्स देती है उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, उसके बदले में आम आदमी पार्टी की सरकार बदले में उसको देती है बिजली, पानी, शिक्षा, बस को यात्रा हम उसको मुफ्त देते हैं, ये हमारा ठीक है जनक प्रसाद जी। और योजनाओं पर ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सत्येंद्र त्यागी जी, संदीप त्रिपाठी जी, आलोक पांडे जी और जनक प्रसाद जी, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हरियाणा में लगातार किसानों के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है और लंबे समय से किसानों को लेकर बयान चर्चा का विषय बने हुए हैं, लेकिन इसी बीच जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान पर बयान आ रहे हैं, आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले ये बयान भारतीय जनता पार्टी पर ही आने वाले समय में भारी पड़ जाए। आप देखना तो ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान का असली मतलब किसान तक पहुंच पा रहा है या नहीं। ये नतीजा खैर 8 अक्टूबर को निकलकर सामने आएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।